हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द मास कैपिटल एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर व्हिच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम द स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स एंड द पुलीज आर लाइट। मतलब आइडियल है दोनों, पुल्ली और स्ट्रिंग जो है वो आइडियल है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या मांगा है, कैपिटल एम को निकालना है ताकि छोटा ब्लॉक जो है वेज पर, ठीक है, वो स्टैटिक में रहे। ठीक है, तो वो मास कम से कम एम जो है वो कितना लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन था जो कि हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ था। ठीक है, इस पर एक स्मॉल मास एम था और इसका मास एम डैश था और ये जो वेज है वो कनेक्टेड था स्मूथ पुल्ली से और इसमें हमको कितना कैपिटल एम को लगाना है ताकि ये जो छोटा एम है वो बिना स्लिप किए हुए ही एम डैश के साथ, कैपिटल एम डैश के साथ मूव करता रहे। तो देखते हैं एफबीडी बना के इस पर कितने फोर्सेस लग रहा है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक का बना लेते हैं, ये जो बिगर ब्लॉक है इंक्लाइन वाला, इसका एफ बी डी बना लेते हैं। तो इसका एफ बी डी में तो एम मास है तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ देगा, तो मतलब इसका वेट इधर आएगा, इसका भी वेट इधर आएगा, तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन देके इसको कैंसिल कर देगा। तो इस फोर्स को हम कंसिडरेशन में नहीं रखते हैं, लेकिन ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ये इस पर वेट लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर की तरफ होगा और इस वेज पर नीचे की तरफ होगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसको एन लिखते हैं, तो ये कितना इंक्लाइंड होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से, तो उसको निकालना है। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है, अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी थीटा होगा। अब इस नॉर्मल फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये होगा एन कॉस थीटा, और एक होगा इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, तो यही फोर्स ये पीछे की तरफ जाना चाहेगा लेकिन ये आगे की तरफ ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा। अब टेंशन के कारण इसमें जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन भी होगा, तो टेंशन इसको इधर लेके जाना चाह रहा है, इसको मान लेते हैं टी। ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन आगे की तरफ ओवरऑल एक्सीलरेशन हो रहा है, लेकिन ये ब्लॉक स्टैटिक रहना है, ये कंडीशन निकालना है। तो सबसे पहले हमने एम डैश ब्लॉक जो था, एम डैश ब्लॉक, इसका हमने एफ बी डी खींच लिया। अब इस ब्लॉक का एफ बी डी को खींच लेते हैं, तो इसका तो आसान है, हम इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन बनाए हैं तो ये नीचे आ रहा होगा, तब ना इसका एक्सीलरेशन इधर होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगता है टी, और इसका मास एम है तो ये एम जी नीचे लगेगा और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ। तो अब इस सिचुएशन में इसका भी एफ बी डी हो गया, अब बचा है ये स्मॉल मास एम, इसका एफ बी डी को खींचेंगे तो ये तो इंक्लाइंड प्लेन पे था जिसका इंक्लिनेशन थीटा एंगल है विद हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर नॉर्मल फोर्स इसके अपोजिट में लग रहा होगा, एक्शन इस पर हो रहा है तो रिएक्शन इस पर इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो इक्वल मैग्नीट्यूड है ऊपर की तरफ एन डैश एन। ठीक, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि एंगल का पता चल जाए, तो ये वर्टिकल के साथ यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, तो यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा,
ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द प्लेन है, तो ये कंपोनेंट जो एन का होगा ये भी वर्टिकली अपवर्ड होगा, एन कॉस थीटा, और ये एन साइन थीटा होगा। अब जो ये ब्लॉक है इसके साथ ये इंक्लाइंड के वाला वेज जो है इसके साथ स्टैटिक में तब रहेगा जब इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन सेम रहेगा। तो इसका जो एक्सीलरेशन भी कितना होना चाहिए, ए, क्योंकि हमने एज्यूम किया ये ए से बढ़ रहा है, ठीक है, तो ए एक्सीलरेशन से आगे जाएगा। ये इसका ए है तो इसका भी ए, तो इसका भी ए होगा, तब ये दोनों एक साथ चिपक के आगे बढ़ता जाएगा। अब जो है हम इन तीनों FBD से, फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका इक्वेशन, तो ग्रेटर फोर्स कैपिटल एम जी है और स्मॉलर फोर्स टी है, और एम जी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो लिखेंगे एम जी माइनस टी इक्वल टू कैपिटल एम ए, इक्वेशन वन। उसके बाद इस वेज का बनाते हैं, तो वेज में टी डोमिनेट कर रहा है। आप पूछोगे क्यों टी डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि टी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट हो रहा है। तो सबसे पहले टी को लिखेंगे, माइनस ये फोर्स एन साइन थीटा पीछे ले जाना चाह रहा है, तो एन साइन थीटा को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो फोर्स बचेगा टोटल फोर्स होगा। तो किस मास पे लग रहा है, इस मास पे लग रहा है एम डैश पे, और उसका एक्सेलरेशन ए है, तो नेट फोर्स लग गया इस पे टोटल। तो ये इक्वेशन हमारा टू है। एक इक्वेशन हम बना सकते हैं, यहाँ से दो इक्वेशन और बनेगा। ये जो छोटा ब्लॉक है स्मॉल एम वाला, इसका वेट को बैलेंस कर रहा है एन कॉस थीटा, और इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है छोटा मास को इसके साथ साथ एन साइन थीटा। तो पहले एन साइन थीटा लिख लेते हैं, तो एन साइन थीटा वही फोर्स होगा जो एम को एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसका मास स्मॉल एम है, तो एम ए, इक्वेशन थ्री। अब जो है ये एन कॉस थीटा इस एम को बैलेंस कर रहा है इसका वेट को, तो इसको लिखेंगे एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। तो अब हमको सॉल्व करना है और इस एम को फाइंड आउट करना है। तो इसको करेंगे कैसे, तो हम करते हैं क्या, सबसे पहले इस टी को कैंसिल करा लेते हैं, तो बाय वन प्लस टू करने पर देखते हैं क्या होता है। तो हमारा टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा एम जी और माइनस एन साइन थीटा, ठीक है, और इस साइड में एम डैश फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड कीजिए मेरे साथ साथ, एम डैश ए प्लस पहले एम ए है, उसके बाद एम डैश ए है, एम डैश ए, और एन साइन थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वेशन थ्री में दे रखा है, तो एन साइन थीटा के जगह पर अब हम लिख सकते हैं एम ए, एम ए कैपिटल एम ए, एम डैश ए, हमको कैपिटल एम चाहिए। तो हम करते हैं क्या, इस एम को इधर ले आते हैं, तो ये होगा एम जी माइनस एम ए, यहाँ पर ए छूट रहा था, और ये उधर जाके ऐड होगा, और ए दोनों में कॉमन है, तो हो जाएगा एम प्लस एम डैश इंटू ए, ठीक है। तो हमको चाहिए इधर से क्या भाग के आया था, इधर हमको कैपिटल एम को भगाए थे, ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल एम जो है हमारा वो कॉमन हो जाएगा, तो जी माइनस, तो हमारा एम हो गया जी माइनस ए, तो एम प्लस एम डैश ए। अब जो है हम यहाँ से कैपिटल एम को निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम प्लस एम डैश डिवाइडेड बाय जी माइनस, इधर ए भी है ऊपर में, इधर से जी माइनस ए आ जाएगा। तो ये तो हम कर लिए, अब हम ए को निकाल सकते हैं थ्री और फोर इक्वेशन से, पर करते हैं क्या है, इक्वेशन थ्री को इक्वेशन फोर से डिवाइड करवा देते हैं,
तो हमारे पास जो है वो हो जाएगा एन, एन कट जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा आ जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर स्मॉल एम, स्मॉल एम कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए बाई जी। तो इससे हमको ए इक्वल टू आ गया जी टेन थीटा, तो ये ए इक्वल टू जी टेन थीटा है। तो अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं ए के जगह पर, यहाँ और यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अब जो है हम इसको लिख सकते हैं एम प्लस एम डैश, और ये हो जाएगा जी टेन थीटा और डिवाइडेड बाय जी माइनस जी टेन थीटा। जी टेन थीटा ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो जी टेन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फाइनली एम इक्वल टू आ जाएगा एम प्लस एम डैश, यहाँ पर वन हो जाएगा और यहाँ पर जी बाय जी टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, तो जी टेन थीटा माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम प्लस कैपिटल एम डैश डिवाइडेड बाय जी, जी कैंसिल हो जाएगा तो ये कॉट थीटा हो जाएगा माइनस वन। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर, हमने एम का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।